उत्तर प्रदेश का नोएडा अब ये नाम सिर्फ आईटी हब के लिए नहीं जाना जाएगा बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेसिंग ट्रैक के लिए भी यह जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इटली की प्रसिद्ध मोटरसाइकिल कंपनी डुकाटी को एक खास जगह ऑफर की है जहां वे अपना रेसिंग ट्रैक और ट्रेनिंग सेंटर बना सकते हैं। ये ट्रैक बिल्कुल उसी तरह का होगा जैसा कि फॉर्मूला वन के लिए नोएडा में पहले से ही मौजूद है। डुकाटी वह कंपनी है जिसके व्हीकल अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका सृजन पोस्ट में, मैं हूँ मीनू वर्मा। डुकाटी एक इटालियन कंपनी है जो दुनिया भर में अपनी शानदार मोटरसाइकिलों के लिए मशहूर है। इन बाइकों को चलाने वाले को एक खास अनुभव होता है और रेसिंग ट्रैक पर इन बाइकों की दौड़ देखना तो बहुत ही रोमांचक होता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इटली की इसी कंपनी यानी डुकाटी को नोएडा में दूसरा रेसिंग ट्रैक बनाने के लिए जमीन ऑफर की है। जमीन ऑफर करके योगी सरकार एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि इस प्रस्ताव से नोएडा का नाम दुनिया भर में और भी चमक जाएगा, लोग यहां आकर रेसिंग देखेंगे जिससे नोएडा के होटल, रेस्टोरेंट्स और अन्य बिजनेस को भी फायदा होगा। साथ ही ये ट्रैक युवाओं के लिए एक शानदार मौका भी होगा, यहां आकर रेसिंग सीख सकते हैं और अपना करियर भी बना सकते हैं। खैर, एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक डुकाटी ने इस प्रस्ताव पर फैसला नहीं लिया है। कंपनी के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार से बात की है और इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अगर डुकाटी इस प्रस्ताव को मान लेती है तो नोएडा में एक नया रेसिंग ट्रैक बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। अब चलते चलते आपको ये भी बता दें कि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट नोएडा में पहले से ही एक ऐसा ही ट्रैक मौजूद है। ये एक फॉर्मूला वन ट्रैक है जहाँ दुनिया के सबसे अच्छे रेसर्स आते हैं। हालांकि कुछ साल पहले इस ट्रैक पर फॉर्मूला वन का रेस रुक गया था, लेकिन अब यहाँ मोटो जीपी की रेस हो रही है। देश और दुनिया की तमाम ऐसे ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।